हाय एवरीवन, मैं उस्तीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के एक और नए कलर के बारे में, जो कि है 301 लीटर के अंदर आने वाला सैमसंग का नया RT34C4522BX 301 लीटर का डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं कन्वर्टेबल 5-in-1 की टेक्नोलॉजी विद ट्विन कूलिंग प्लस। तो सैमसंग ने इसके अंदर आपको क्या नया डिज़ाइन दिया, कैसे इसके फीचर्स हैं, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका जो परचेज़ लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर को, इस कलर को अगर अच्छा लगता है तो वहीं से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है और ऑनलाइन और हमारे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉडल नंबर और डिज़ाइन की। मॉडल नंबर और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन है, जो कि RT34C4522BX/HL/2024। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। इसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन है 273 यूनिट्स पर ईयर। 2-स्टार रेटिंग के अंदर ये रेफ्रिजरेटर आता है, जिसका टोटल वॉल्यूम है 301 लीटर और टाइप है इसका फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है ये। यहाँ पे सामने की तरफ आपको इसका डिस्प्ले पैनल मिल जाता है, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। सामने की तरफ से जो इसका मेन डोर है वो पूरा मेटल के साथ आता है और ग्लोसी फिनिश में है, जो कि आपको डार्क ग्रे आप इसको कह सकते हो। और यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े रेशे भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और साइडों से ये पूरा लेदर फिनिश के साथ आता है, लेदर कोटिंग के साथ आता है, जिस पे कोई भी जंग वगैरह नहीं लगेगा, स्क्रैचेस वगैरह नहीं डलेंगे। और बैक साइड से ये पूरा नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ आता है, कोई जाली वगैरह नहीं है। अब अगर हम इसके अंदर बाहर से यहाँ पे हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको रिसेस हैंडल मिल जाते हैं, एक ये और एक ऊपर के डोर के लिए नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप इसके डोर्स को ओपन कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम नीचे अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर स्पेस मिल जाता है। जहाँ पे आपके मेन यूनिट की बात करें तो ये है इसका फ्रीज़र, जहाँ पे आपको एक आइस कूल पैड भी मिलने वाला है। बाय चांस अगर पावर कट हो जाता है तो 12 घंटे तक का इसका बैकअप है, जो भी आप सामान इसके ऊपर रखोगे वो आपका 12 घंटे तक ठंडा रह सकता है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको इसके एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ से इसकी कूलिंग वगैरह अंदर आती है। बैक साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ैन, जहाँ पे मिल जाती है आपको ट्विन कूलिंग प्लस की ब्रांडिंग, जिसकी अगर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको एयर कटर, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग रिटेंशन को भी बना के रखता है। ऐसे ही इसके जो डोर के अंदर आपको बोटल गार्ड्स मिलते हैं फ्रीज़र के, वो आपको 2 यहाँ पे बोटल गार्ड्स मिलने वाले हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और यहाँ पे आप कोई भी थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, फ्रोज़न आइटम वगैरह। उसके बाद ये जो इसका गैस्केट है, इसको भी आप निकाल के साफ़ करके ऐसे ही वापस डाल सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर आती है। नीचे की तरफ जो इसका फ्रिज है उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको मेन 4 शेल्फें मिल जाती हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों टफन ग्लास शेल्फें हैं, जो कि मैक्सिमम 170 किलो 175 किलो की कैपेसिटी के साथ आती है। पीछे की तरफ यहाँ पे भी आपको अलग अलग एयरवेंट्स मिल जाएंगे कूलिंग के लिए, हर एक शेल्फ पे इक्वल कूलिंग के लिए। और यहाँ पे आपको डिफरेंट अलग फ़ैन मिल जाएगा नीचे फ्रिज के लिए, जहाँ पे आपको ट्विन कूलिंग प्लस की ब्रांडिंग यहाँ भी मिलेगी। उसके नीचे आपको मिल जाता है डिओड्राइजिंग फिल्टर, फ्रिज के अंदर कोई भी स्मेल वगैरह ना हो, आप 2-3 दिन फ्रिज नहीं खोलते तो कोई भी स्मेल वगैरह इसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद जहाँ पे नीचे की तरफ इसका ये मिल जाता है वेजिटेबल बॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का है। ये है इसका वेजिटेबल बॉक्स, जहाँ पे आपको आइस क्यूब के लिए जो बॉक्स है वो भी यहीं पे रखा हुआ मिलेगा, जो कि मूवेबल है, अगर ज़रूरत है तो आप उसको यहाँ पे फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर रख सकते हो, ज़रूरत नहीं है तो यहीं पे रखा रहने दे सकते हो।
वेजिटेबल वॉश काफ़ी बड़ा है इसका, और यहाँ पे आपको कूलिंग को अंदर जाने के लिए, ताकि जो सब्जी है वेजिटेबल उनका मॉइस्चर पूरा बना रहे, उसके लिए यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं जिससे अंदर कूलिंग आसानी से जा सकती है। यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है इसका 301 लीटर, मॉडल है RT34C4522BX, उसके बाद नंबर ऑफ डोर्स है 2, और फ्रोजन कंपार्टमेंट की जो स्टार्टिंग है वो 4 स्टार है। पावर सोर्स है इसका 230 वोल्ट, इसको चलने के लिए चाहिए, 50 हर्ट्स पे काम करता है। रेफ्रिजरेंट जो गैस है इसके अंदर वो है R600A 72 ग्राम, जो कि टोटली इको फ्रेंडली है और CFC फ्री है। और पावर इनपुट इसके लिए चाहिए होता है मिनिमम 100 वोल्ट। करंट इसके लिए चलने के लिए चाहिए कम से कम 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर पे। और डिफ्रॉस्ट इनपुट है इसका 130 वोल्ट। तो कुछ ये आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। इसी तरह इसके फ्रिज वाला जो डोरा, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे बॉटल गार्ड्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ नहीं दिया गया क्योंकि इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो बड़े साइज़ का है, इसीलिए नीचे कोई भी आपको बॉटल गार्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 लीटर के लिए ये वाला बॉटल गार्ड आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे अंडे नींबू वगैरह रखने के लिए 2 अलग से रैक मिल जाते हैं। इनको आप ऊपर भी थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो ताकि नीचे बड़ी बोतल आ सके। और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी है, आपको एक छोटा सा बॉटल गार्ड और मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जो फ्रिज है उसके डोर के अंदर भी आपको जो गैसकेट मिलता है वो भी आपका रिमूवेबल है, निकाल के साफ करके ऐसे ही वापस डाल सकते हो। तो कुछ टोटल मिला के आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ये वाला डिज़ाइन मिल जाता है। डिज़ाइन के बाद अब हम बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले बेस्ट फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सबसे मेन और हाइलाइटेड इसका फीचर है वो है कन्वर्टेबल 5-in-1 विद ट्विन कूलिंग प्लस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्विन कूलिंग प्लस का मतलब क्या है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको मोनो कूलिंग यानी कि सिंगल कूलिंग मिलती है, जिसके अंदर आपके पहले फ्रीजर में कूलिंग होती है और पीछे एक फैन लगा होता है, उसके थ्रू ऊपर से कूलिंग नीचे की तरफ मूव करती है। बट इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 2 अलग अलग इवेपोरेटर और 2 अलग अलग कूलिंग फैन मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो फ्रीजर है उसके अंदर अलग कूलिंग सिस्टम है और जो फ्रिज है नीचे उसके अंदर अलग कूलिंग सिस्टम है, जिससे मॉइस्चर भी आपका ऊपर से नीचे मूव नहीं करेगा और आपका जो फूड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। इसी कारण 2 अलग अलग कंपार्टमेंट और 2 अलग अलग फैन होने की वजह से आप इस रेफ्रिजरेटर को 5 अलग अलग तरीकों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है नॉर्मल मोड, जहाँ पे आपका जो फ्रीज़र है वो फ्रीज़र की तरह ही रहता है और जो नीचे फ्रिज है वो आपका एक नॉर्मल फ्रिज की तरह ही रहता है। दूसरा मोड इसके अंदर आपको मिलता है एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। मान लो आपके पास सामान ज़्यादा हो जाता है फ्रिज के अंदर रखने वाला, आपको एक एक्स्ट्रा फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इसके फ्रीज़र को कन्वर्ट करके फ्रिज बना सकते हो, यानी कि नीचे भी फ्रिज और ऊपर भी फ्रिज। तो इससे आपको लगभग 88 लीटर का एक्स्ट्रा छोटा सा मिनी फ्रिज और मिल जाएगा। तीसरा मोड इसके अंदर आपको मिलता है सीजनल मोड, जहाँ पे जब सर्दियाँ आती हैं तो आइस की ज़रूरत नहीं होती, फ्रोज़र जो फ्रीज़र है इसका उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, उस टाइम आप इसके फ्रीज़र को ऑफ रख कर सकते हैं और जो आपका फ्रिज है उसको आप ऑन ही रख सकते हैं। चौथा मोड आपको इसके अंदर मिल जाता है होम अलोन मोड। मान लो आपकी फैमिली मेंबर 6 से 7 मेंबर है और वो घर पे नहीं है, आप जस्ट अकेले हैं, तब आपको बड़े फ्रिज की नीड नहीं है, उस टाइम आप इसके फ्रिज को ऑफ कर सकते हो और ऊपर वाला जो फ्रीज़र है उसको कन्वर्ट करके छोटा सा एक मिनी फ्रिज बना सकते हो, जो कि अकेले बंदे के लिए, अकेले पर्सन के लिए काफ़ी है। लास्ट मोड आपको इसके अंदर मिल जाता है वैकेशन मोड, जहाँ पे अगर घर पे कोई भी नहीं है, जस्ट आपके फ्रोजन आइटम रखे हुए हैं, तब आप इसके फ्रिज को ऑफ कर सकते हैं और जो इसका फ्रीज़र है उसके अंदर आप फ्रोजन आइटम को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये टोटल आपको 5 अलग अलग कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड्स इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर मिल जाता है, जो कि आपका काफ़ी रिलेबल है, जिसकी वजह से सैमसंग आपको इसके ऊपर 20 साल की कंप्रेशर की वारंटी दे रही है और 1 साल आपको इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट वारंटी भी मिल जाती है। डिजिटल इन्वर्टर होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम है। ये रेफ्रिजरेटर 273 यूनिट पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। 2 स्टार रेटिंग के अंदर ये रेफ्रिजरेटर आता है। फ्रिजों के अंदर स्टार रेटिंग से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है, 20 से 30 यूनिट का फर्क पड़ता है 1 साल के अंदर। साथ ही इन्वर्टर कंप्रेशर होने की वजह से जितना सामान आप इसके अंदर रखोगे उसी हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 6 स्मार्ट सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि बाहर के टेम्परेचर, अंदर के टेम्परेचर और जो आपने सामान रखा हुआ है
सारी चीज़ों को देखते हुए, आपके यूज़ को देखते हुए, आपका जो फूड आप इसके अंदर रखते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक आपका फ्रेश रहे, उसका काम करते हैं। तो सैमसंग इसके ऊपर क्लेम करती है कि लगभग 15 दिन तक आप इसके अंदर फ्रूट जो है वो फ्रेश रख सकते हो। इसी के साथ ये जो रेफ्रिजरेटर है होम इन्वर्टर कनेक्शन के साथ आता है, आप इसको घर के सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे भी चला सकते हो। साथ ही कल को अगर आप सोलर प्लान करते हो तो सोलर इन्वर्टर पे भी ये रेफ्रिजरेटर रन हो जाएगा। 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक ये रेफ्रिजरेटर रन हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप इस रेफ्रिजरेटर को बिना किसी स्टेबलाइजर के यूज़ कर सकते हो। अगर फ्लक्चुएशन होती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इसके ऊपर एक अच्छा स्टेबलाइजर भी लगाना चाहिए। एक अच्छे स्टेबलाइजर का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जो कि इस रेफ्रिजरेटर के लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। तो ये टोटल कुल मिला के ये सारे आपको फीचर्स इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का 301 लीटर का डिफरेंट ग्रे लुक्स वाला रेफ्रिजरेटर कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स में आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अच्छा लगता है तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रेफ्रिजरेटर को हमारे नीचे दिए गए लिंक से ही इसको परचेज करें। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय बाय।